सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और आप जानते हैं आज कई पार्टियों की मीटिंग हुई और सब लोगों ने काफी देर तक अपनी बात इन्होंने रखी और अनेक पार्टियां थी, जैसे आप समझ लीजिए कि यहां पर तो मौजूद ही हैं माननीय राहुल गांधी जी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी, और इनके अलावे और लोग भी आए थे। और फिर जो यहां पर सुश्री ममता बनर्जी जी यहां पर मौजूद ही हैं, ये रही, शरद पवार जी यहां पर मौजूद हैं ये भी, और मीटिंग में अरविंद केजरीवाल भी रहे, सब लोग मीटिंग में रहे, और उनके साथ आए हुए थे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, वो सब भी रहे। और फिर वो श्रीमती महुआ मुफ्ती जी जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं वो भी रहीं, और श्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी रहे, और फिर उद्धव जी ठाकरे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र वो मौजूद रहे, और बाकी जो सब लोग हैं सीपीआई वाले श्री डी राजा जी, सीपीएम वाले श्री सीताराम येचुरी जी, और माले के श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, ये सब और अनेक लोग यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद रहे। और इसके अलावे हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी, और डीएमके के और भी उनके साथ आए थे डीआर बालू जी, और ये अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद ही हैं उत्तर प्रदेश के, और इसके अलावे अन्य लोग सब मौजूद रहे यहाँ, उनके साथ और लोग भी आए हुए थे, और हम लोग तो दो यहाँ के तो थे ही, और हाँ अन्य सीपीएम सीपीआई माले सब लोग का तो नाम बता ही दिए हैं, ये सब लोग रहे और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा, कौन कहाँ लड़ेंगे क्या है सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे, तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज़ के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे, तो ये सब बात हो गई है। तो इसलिए हम तो सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बैठक बुलाई इसलिए हम शुरुआती तौर पर कह दिए, अब बाकी कहेंगे, अब बाकी सब आप पूछिए, सब लोग ही खुद भी कहेंगे, तो हम तो कहेंगे कि जरा सा राहुल गांधी जी से कि थोड़ा आप भी बोल दीजिए, और सब लोग से बोलिए थोड़ा, आप ही बोलिए ना, अच्छा रहेगा आप ही बोलिए। अच्छा ठीक, नीतीश जी, लालू जी, शरद पवार जी, ममता जी, राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन
सोरेन जी और हमारे अखिलेश भाई और तेजस्वी जी और सारे क्षमा करना येचुरी जी, आप जरा कॉर्नर में बैठे, इधर इधर आए तो अच्छा रहता। तो सभी नेतागण मिले और जो नाम उन्होंने बताया कि स्टालिन साहब से लेकर यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे नाम बताए गए, उद्धव ठाकरे साहब भी यहाँ है, तो सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। तो बारह जुलाई बोलते ना, तो खैर हाँ ये तो टेंडेटिव है लेकिन बारह लेख दो दिन में आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे, इसीलिए हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रैटेजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिट को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे, एक एक होकर एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे और उसके लिए मैं नीतीश जी का, क्योंकि उन्होंने होस्ट किया आज, उनका धन्यवाद करता हूं और सारे और बहुत से हमारे नेता, मैं अभी जैसा बोला कि स्टालिन वहां से आते तमिलनाडु से तो उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहब उन्होंने कश्मीर से आते, तो सारा देश इसमें जुड़ा है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए हैं वो पूरे लोग आए हैं नेता वहाँ से, तो ये तो ये पूरा हम आगे करने का इरादा है। मैं ज़्यादा कुछ और नहीं कहता, जो कुछ कहना है उन्होंने कहा है और आगे राहुल गांधी जी कुछ बात करें। बाद में पूछिएगा, सब बोल देंगे, इसके बाद बोल देंगे, बाद में सब समर्थ है उत्तर देने को। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ जो आए हैं उन सब का स्वागत, आप सब का स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार के मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जैसे आप जानते हैं हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं, हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे।
जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद। ठीक बोलिए ममता जी, बात अरे कुछ लोगों को प्लेन उनका तुरंत जाने वाला था तब कुछ लोग चले गए कह के, लेकिन जितने लोग बचे हुए जिनको अभी तुरंत जाना है, नहीं नहीं पहले सब लोग बोल दे जो भी है और उसके बाद तो समय ज्यादा ना लगा इसके चलते। आज पटना में जो हमारा 17 पार्टी का मीटिंग हुआ है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी है मीटिंग में आए हुए हैं, एक चीफ मिनिस्टर भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा तरीका से मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। सरोज जी का माफिक सीनियर लीडर भी आए, लालू जी बहुत दिन बाद पॉलिटिकल मीटिंग में उतरे, नीतीश जी मीटिंग कन्वीन किया है हम लोगों को रिक्वेस्ट करने का बाद, उसको बाद पहले मिला, राहुल जी आया, खड़गे जी आया, अखिलेश भाई आया, तेजस्वी है हमारा, हेमंत सोरेन जी है, दीपंकर भट्टाचार्य है, उमर है, महबूबा जी है, राजा है, सीताराम जी है, उद्धव ठाकरे है, शरद पवार जी है और सारे बहुत सारे लीडर है। एक चीज हुआ पटना में मीटिंग, मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ पहले, आप लोगों को मालूम है, हमारे कहने नहीं चाहती हूँ। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला, अब पटना से शुरू करो। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है, तीन चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर वन, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पेट्रियोटिक है, हम भी देशोप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं, मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं, ऐसे हम लोगों ने हेतु तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चल रहा है, एट्रोसस टेरिबल, क्या नहीं किया हम लोग, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके, जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है, मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है और क्या चालाकी करते हैं, चुपी रुस्तम का माफी, बहुत सारे लॉयर को कोर्ट में भेजकर कोई ना कोई केस कर हम लोग को खिलाफ में कोई ना कोई सीबीआई होता है, नहीं तो ईडी होता है, नहीं तो पंचायत भी सीबीआई में होगा, ऐसा ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी के बारे में चिंता नहीं करते हैं, आम जनता के लिए चिंता नहीं करते हैं, इकोनॉमी इज टोटली डिस्ट्रॉयड इसका बारे में चिंता नहीं करते हैं, महिला को इज्जत लुटता है चिंता नहीं करते हैं, दलितों को खिलाफ में है चिंता नहीं करते हैं, 100 दिन का रुपया नहीं देता है, गाँव का रास्ता का रुपया नहीं देता है, आवास योजना का रुपया नहीं देता है, यूनिवर्सिटी में मर्जी का माफिक बीसी रिक्रूट करते हैं, क्या नहीं किया है। इसके लिए जितना भी तानाशाही
बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। इसी के लिए हम लोगों ने तीन चीज पे जोर दिया है, एक वी आर यूनाइटेड, दो वी विल फाइट टुगेदर, थ्री नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा, फोर्थ जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, यू आर सो नाइस, आप लोगों ने हम लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया और आप लोगों ने पूरा मदद दिया। मैं तो इधर में बहुत इंटरनेशनल प्रेस भी है और लोकल प्रेस भी है, रीजनल प्रेस भी है, हॉट स्टेट का प्रेस भी है कि आज का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। आई थिंक द हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम हियर, बीजेपी वॉन्ट्स द हिस्ट्री शुड बी चेंज एंड वी वॉन्ट हिस्ट्री शुड बी सेव्ड फ्रॉम बिहार। थैंक यू।